हरिद्वार में एक्साइज विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए पुराने रामलीला मंदिर के पास स्थित एक व्यक्ति के घर व अनाज मंडी में स्थित आड़त की दुकान से लाखों रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब की पेटियां बरामद की। शहर के बीच में बने घर से लाखों रुपए की शराब मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। हरिद्वार में अब तक पकड़ी गई अवैध शराब की यह सबसे बड़ी खेप है। ये आज हमारे पे इन्फॉर्मेशन आई थी, एक्साइज इंस्पेक्टर था अपना नरेंद्र सिंह, नरेंद्र शर्मा, कि जैसे मेरे को पता लगा तो मैं भी इसीलिए देखने गया था स्पॉट पर। उन्होंने एक कुलदीप सिंह है वो अब्बू, तो उसके घर से कुछ शराब बरामद की है, वो अलग अलग ब्रांड में है और बाकी क्वांटिटी का भी उन्होंने की नहीं थी। तो दूसरी जगह उन्होंने बताया कि हमने उसकी जो 38 नंबर अनाज मंडी में शॉप है वहाँ भी रिकवर किया। वहाँ भी मैं गया था, वहाँ तो करीब मतलब अलग अलग ब्रांड की थी, वो भी करीब 50-60 बोतल के करीब थी। तो जैसे वो कंप्लेन करेंगे हम उस पर कार्रवाई करेंगे। हाँ देखो, जो वहाँ की देखी थी, अब उसके ब्रांड का उसकी उनका पता नहीं हमारे को, वो विदेशी है कैसी है, लोकल कंपनियों की है, लेकिन जो रेडियस पे मिली उसकी तो अभी काउंटिंग नहीं की है ना। वो तो सिर्फ एक बॉटल उस पर उन्होंने रिकवरी उसकी बनाई हुई थी, इसलिए हमने उसका बता रहे हैं इतनी क्वांटिटी है वो, लेकिन जो घर पे मिली है उसके तो अभी उन्होंने टोटल भी नहीं किया। उसमें एक्साइज डिपार्टमेंट से इंस्पेक्टर था और उसके साथ में जो हमारे डिपार्टमेंट से डेपुटेशन पे गए थे मुलाजिम, वो भी कर्मचारी मुश्किल के साथ थे। अभी वैसे जो रिकवरी करके वो हमारे को जो कंप्लेंट देंगे उस पर हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि कहाँ से आई थी और क्या मामला था।